राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के रायसीनगर से बड़ी खबर। एमएलए का नाम लेकर 50,000 रुपए की धोखाधड़ी। घर में शादी होने की बात कहकर उधार खरीदा किराने का सामान। अनूपगढ़ जिले के रायसीनगर से विधायक का नाम लेकर 50,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को विधायक का परिचित बताया और 50,000 रुपए का किराने का सामान उधार देने की बात कही। आरोपियों ने दुकानदार की बात एक मोबाइल नंबर पर करवाई। इसमें बात करने वाले ने दुकानदार को खुद को विधायक सोहनलाल नायक बताते हुए किराने का सामान उधार देने की बात कही। फोन पर बात करने वाले ने भुगतान बाद में कर देने की बात कही। इस पर दुकानदार ने उन्हें किराने का सामान दे दिया। कुछ दिन बाद जब उसने इस संबंध में संबंधित नंबर पर बात की तो यह नंबर बंद मिला। इस पर दुकानदार को अपने साथ धोखाधड़ी का पता लगा। रायसीनगर के वार्ड नंबर 9 में LIC ऑफिस के पास रहने वाले ओम प्रकाश पुत्र हरदत राम ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि बताया कि उसकी किराना की दुकान पवन किराना रायसीनगर में बस स्टैंड के सामने है। 21 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे उसकी दुकान पर 3 लोग आए। आरोपियों ने उसे किराने का सामान की लिस्ट देकर दुकानदार ओम प्रकाश सामान देने में व्यस्त हो गया। उसका मोबाइल फोन काउंटर पर ही पड़ा था। आरोपियों में से किसी एक दुकानदार का मोबाइल फोन उठाया और इससे अपने नंबर पर मिस कॉल दी। इससे दुकानदार का नंबर उनके फोन पर आ गया। इसी दौरान आरोपियों ने अपना नंबर दुकानदार ओम प्रकाश के मोबाइल में विधायक सोनलाल के नाम से सेव कर दिया। इसके बाद तीनों में से एक ने दुकान से कुछ दूर जाकर ओम प्रकाश के मोबाइल पर फोन किया। आरोपियों ने यह नंबर पहले से ही दुकानदार के मोबाइल विधायक सोहनलाल नायक के नाम से सेव कर दिया था। तो जैसे ही आरोपियों द्वारा उनको फोन किया गया तो स्क्रीन पर यही दिखाई दिया। दुकानदार ने फोन उठाया और फोन करने वाले ने खुद को विधायक सोहनलाल बताते हुए आरोपियों को किराने का सामान देने के लिए कहा। कॉल करने वाले ने कहा कि वह गसिमपुर में शादी के कार्ड बांट रहे हैं, रायसीनगर आने पर उसका भुगतान कर देंगे। इस पर दुकानदार ने उन पर विश्वास कर उन्हें बताए अनुसार 6 टीन देसी घी, 33 किलो चाय पत्ती, 24 लीटर रिफाइंड तेल, 30 किलो सरफ, करीब 100 से ज़्यादा नहाने के साबुन दे दिए। आरोपियों के जाने के बाद भी जब उनका भुगतान नहीं आया तो दुकानदार ओम प्रकाश ने उस नंबर पर कॉल की जहां से फोन आया था। इस पर वह नंबर बंद मिला। दुकानदार ने जब इस बारे में अपने स्तर पर जांच की तो कॉल करने वाले नंबर श्री गंगानगर के गुरु नानक चौक के रहने वाले अंकित पुत्र सतपाल का होने और उसके साथ उसके भाई साहिल उर्फ तुली के होने का पता लगा। तीसरे आरोपी के बांबू कॉलोनी का अमन सोनी पुत्र चंद्रशेखर सोनी होने का पता लगा। दुकानदार का कहना है कि उसे आरोपियों ने पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल होने की जानकारी मिली है। इस मामले में विधायक सोनलाल नायक का कहना है कि विधायक का नाम लेकर कोई कुछ भी उधार ले ले, यह तो उचित नहीं है। मामला जानकारी में आया है, दुकानदार को उनसे बात करके पुष्टि करनी चाहिए थी। दुकानदार ने इस संबंध में मामला भी दर्ज करवा दिया है। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।